तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। बड़ी खबर आ रही है जनपद मैनपुरी से। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को लेकर बड़ी चिंता दिखाई दे रही है और किसानों की हर संभव मदद करने की बात करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जनपद मैनपुरी में किसानों की समस्याएं हैं जो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान यूनियन किसान के जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध दुबे ने बाइक से किसी से लेकर मैनपुरी तक जनपद मैनपुरी में भ्रष्ट प्रशासन को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए एक रैली निकाली, जिसका समापन जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर किया गया, जहां जिला अध्यक्ष ने 18 सूत्री मांगों को लेकर आज 15वां ज्ञापन सौंपा है। मांगों को लेकर जिला अध्यक्ष अनिरुद्ध दुबे ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि जिले पर बैठे अधिकारियों को जनपद के किसानों की कोई फिक्र नहीं है। किसान कड़ी से कड़ी समस्या में और इसका चला जा रहा है। किसानों की लाभकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। यहाँ कर बरसात न होने के कारण किसानों की फसलें सूख रही है। खाद की बड़ी समस्या है जो अधिक रेट पर भी मिल रही है। किसानों की समस्याओं को लेकर उन्होंने कहा कि यदि एक सप्ताह के अंदर जिलाधिकारी ने कार्रवाई नहीं की तो वे बैकिश्नी तहसील पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और क्या कहा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। सर बैठा हुआ है, ये कोई और नहीं किसान यूनियन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी हैं। यहाँ पर जो है जिला अध्यक्ष आज जो है ना प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए हम इनसे बात करते हैं कि किस क्या मांग है और किस तरह की आपकी मांग वाजिब है और अब तक जो है ज्ञापन दिए हैं उनमें कितनी मांगें आपकी पूरी हो चुकी है। सर हमारे इंडिया में आपका स्वागत है। आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, अभी बाइकों से रैली निकाल रहे थे, आप जो है ना कहाँ से बिलोंग करके आए हैं और किस लिए बैठे हैं? हम लोग भारतीय किसान के हैं और मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हम इसी महीने में टीम साहब को उनको ज्ञापन पहले दे चुके हैं। आज ज्ञापन देने में कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमारे किसान करें तो करें क्या? हमारे यहाँ रोपाई करने के लिए, धान की रोपाई करने के लिए बांधों में पानी नहीं है। अब बताइए धान की रोपाई हम कैसे करें? खाद बहुत महंगी है, कृषि अधिकारी है यहाँ का, वो दुकानदारों से मिल लेता है और महंगी खाद दिखा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो किसान आखिर इतनी महंगी धान खाद कैसे खरीदे? खाद महंगा, बीज महंगा, पानी भी है नहीं तो किसान मरेगा नहीं तो क्या करेगा? अच्छा अब तक जो ना जो बात की जाए कि जो है आपने जितने भी ज्ञापन दिए कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं? ये मेरा आज 15वां ज्ञापन है एक साल के अंदर। जी 15वां एक साल के अंदर, लेकिन कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई एक दो के अलावा और कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या लगता है, भ्रष्टाचार पे तो कोई कार्रवाई होती नहीं है? क्यों, आखिर भ्रष्टाचार तो योगी सरकार जो है ना बार बार कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त। अब साहब योगी जी तो कार्रवाई करेंगे नहीं? जी योगी जी तो कार्रवाई करेंगे नहीं अगर भ्रष्टाचार पे, कार्रवाई तो अधिकारी करेंगे। अब अधिकारी लोग जो है वो क्या काम करते हैं कि अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं करता, अधिकारी जब कार्रवाई नहीं करता कर्मचारी बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है। सर क्या कहेंगे आप भ्रष्टाचार को लेकर? भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, मैनपुरी जिले में तो कम से कम किसानों को बिल्कुल नहीं सुनी आपके पास और आप बात करेंगे हम लोगों के अगर नहीं सुनी गई। आज तो हम लोग चेतावनी वाला ज्ञापन देने आए हैं, अगले हफ्ते से हमारे जिलाध्यक्ष धरने बैठेंगे और धरना अनिश्चितकालीन होगा और अगर फिर भी मांगे ना मानेंगे तो प्रदेश व्यापी और देश व्यापी होगा। तो कितने सूत्री मांग है आपकी? अभी तो जितने भी ज्ञापन दिए गए हैं सारे ज्ञापनों मैं जितनी मांगे रखी गई है वो आज जिला अधिकारी जी को बताने आए हैं कि किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर कार्रवाई ना हुई तो अगले हफ्ते धरना प्रारंभ हो जाएगा। तो सुना आपने कि किस तरह से इन्होंने बताया कि अब तक लगभग जो है ना ये जो है 15 ज्ञापन दे चुके हैं लेकिन कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई क्योंकि भ्रष्टाचार मैनपुरी में चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन के साथ अनिश शाह, आवाज इंडिया न्यूज।